आज ही हम आपके साथ रेसिपी शेयर कर रहे हैं चिकन सिंधी बिरयानी की तो चलें आए आपको बिरयानी की रेसिपी दिखाते हैं और बनाते हैं चिकन सिंधी बिरयानी तो मौसम बहुत प्यारा है बारिश लगी हुई है असर का टाइम है तो मैंने कहा चलें बिरयानी बनाता हूं और आपके साथ भी वीडियो शेयर करता हूं चलें जी बिरयानी बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं दो मीडियम साइज़ के प्याज लेके ऑयल डाल के इनको करते हैं लाइट ब्राउन ये देखें जी प्याज हमारे लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं अब इनमें से आधे प्याज मैं निकाल लेता हूँ जब लेयरिंग करेंगे बिरयानी की तो उस वक्त ये इस्तेमाल करेंगे बाकी के जो प्याज बच गए हैं इनमें तकरीबन एक चम्मच अदरक और लहसन का पेस्ट डाल के इनको भून लेते हैं अदरक और लहसन का पेस्ट बना के मैंने फ्रीज़ किया हुआ है इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी अपलोड करेंगे जी अदरक और लहसन का पेस्ट डाल के भून लेने के बाद तकरीबन तीन पाव के करीब हमारी चिकन है चिकन को धो के चिकन को इसमें डालते हैं डाल के चिकन को करते हैं जी पाँच से छः मिनट तेज़ आंच पे फ्राई के चिकन हमारी जो है कलर चेंज हो जाए और चिकन के अंदर की जो स्मेल है ख़त्म हो जाए एक कप दही ले के इसमें शान सिंधी बिरयानी का मसाला डाल के मिक्स करेंगे शान की सिंधी बिरयानी मैं बना रहा हूँ दही में मसाला मिक्स करने के बाद इसमें डाल दिया अभी तीन से चार इसको उबाल आने देंगे तीन से चार मिनट इसको फ्राई होने देंगे ये देखें जी माशाल्लाह तीन से चार मिनट हो गए हैं अभी इसमें मैंने तीन मीडियम साइज़ के आलू डाल रहा हूँ आलू डालने के बाद इसमें चार अदद में टमाटर डालता हूँ टमाटरों के बाद मैं इसमें थोड़ा सा लुहारा डालता हूँ और बाकी के थोड़े से टमाटर मैं बचा लेता हूँ जब लेरी करेंगे तो उस पर यूज़ करेंगे तो ये देखें जी चिकन की माशाल्लाह ग्रेवी हमारी बन के तैयार हो चुकी है बिरयानी की ग्रेवी ज़बरदस्त थी अभी इस बर्तन से ये निकाल लेते हैं निकाल लेने के बाद जी इसको एक दूसरे बर्तन में शिफ्ट करते हैं बर्तन को साफ़ करके इसमें चावल उबालते हैं ग्रेवी हमारी माशा जबरद से तैयार हो गई है ये जी मैंने इसी बर्तन को साफ करके इसमें पानी डाल दिया अभी इसमें थोड़े मसाले डालते हैं सबसे पहले इसमें नमक डालते हैं फिर इसमें तीन से चार अदर सब्ज़ इलायची एक काली इलायची दार और साथ में लौंग काली मिर्च और बादन का फूल ये सारे मसाले डाल के इसको उबाल आने देंगे देखें जी माशाल्लाह पानी अच्छी तरह से उबल गया था अभी इसमें चावल डालते हैं चावल डालने के बाद जी चावलों को हमने सिर्फ सत्तर परसेंट जो है वो इसमें पकाना है और ये देखें जी माशाल्लाह चावल हमारे जितने हमें चाहिए माशाल्लाह रेडी हो चुके हैं चावलों को यहाँ पे हमने फुल डाल नहीं करना तकरीबन सेवेंटी परसेंट चावल हमारा रेडी हो चुका है ये देखें माशाल्लाह अभी चावलों को निकाल लेते हैं निकाल लेने के बाद जी बाकी का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करते हैं चलें जी चावल मैंने निकाल लिए इसी बर्तन के अंदर दोबारा लेयरिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो हमने ग्रेवी बना के रखी थी उसको जेचकी में डालते हैं डाल के साथ में थोड़ा सा ऑयल भी डालें ताकि जब बिरयानी को हम दम पे लगाएं तो नीचे से चावल हमारे जल ना जाए तो ये आधी ग्रेवी मैंने इसमें डाल दी है आधी ग्रेवी डालने के बाद थोड़े से चावल मैं इसमें डालता हूँ चावल डाल के इसकी लेयरिंग स्टार्ट करते हैं अभी इसमें थोड़ा सा हरा धनिया पुदीना और हरी मिर्च ये काट के मैंने रखी थी ये डालते हैं जो प्याज़ शुरू में हमने फ्राई किए थे निकाले थे वो थोड़े से डालते हैं डालने के बाद बाकी की जो ग्रेवी बची हुई है वो इसमें डाल देते हैं और बाकी के जो चावल बचे हुए हैं वो भी इसमें डालते हैं ये बाकी के चावल मैंने इसमें डाल दिए अभी इसकी बिल्कुल फ़ाइनल जो लास्ट वाली लेयरिंग होती है वो करेंगे दोबारा से जी इसके ऊपर मैं हरा धनिया पुदीना और हरी मिर्च जो मैंने काट के रखी हुई थी वो डालते हैं और इसके साथ ही जो प्याज़ हमने फ्राई करके कर रखा था वो डालते हैं जो टमाटर हमने बचा के रखे थे वो डालते हैं ये सारे डालने के बाद थोड़ा सा हमने एक चम्मच के बराबर हमने ज़रदा रंग भी पानी के अंदर जो है ना वो मिक्स करके रखा हुआ था वो भी थोड़ा इसमें डाल देते हैं डाल देने के बाद जी अभी इसको लगाते हैं ज़बरदस्त सा दम दम लगाने का तरीका ये है कि जी पाँच मिनट इसको तेज़ आंच पे करेंगे जब तक इसके अंदर स्टीम नहीं बन जाती फिर उसके बाद पंद्रह मिनट इसको हल्की आंच पे करेंगे टोटल बीस मिनट का दम होगा और बीस मिनट के बाद देखें जी माशाल्लाह हमारी ज़बरदस्ती चिकन सिंधी बिरयानी बन के रेडी हो चुकी है ये देखें जी माशाल्लाह बड़ी प्यारी सी खुशबू है असर का टाइम है जी रोज़े में अफ्तारी में इसको खाएँगे बड़ी प्यारी रेसिपी है आप इसको ज़रूर बनाएं जी अभी इसको डिश आउट करते हैं दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है मेरी इस वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे वीडियो को शेयर भी किया करें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी आगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें मिलता हूँ आपके साथ अगली वीडियो में तब तक मुझे अपनी दुआओं में याद रखें अल्लाह हाफिज़